कोरबा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक जनरल स्टोर की दुकान में पहले सीसीटीवी कैमरे में कपड़ा डालकर ताला तोड़कर नगद सहित हजारों का सामान पार कर दिया। घटना सादा विहार क्षेत्र में संचालित विकास जनरल स्टोर में पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया ताकि उनकी हरकत कैमरे में कैद न हो, फिर दुकान का ताला तोड़कर नगद 11,000 रुपए और सामान पार कर दिए। दुकान संचालक ने बताया कि शाम को सामान एक ऑटो में दुकान के लिए लाया था, उसने ऑटो से सामान चोरी किया था। तौल करने पर चोरी पकड़ी गई तो विवाद हुआ और धमकी दी, देख लूंगा। ऑटो चालक पर शक की सुई घूम रही है, कहीं उसी ने ये चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया। विवाद का सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। इधर मानिकपुर पुलिस को दुकान संचालक ने लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक एक्समैन मिलिट्री एक्समैन का सूचना मिला था कि उनके किराना दुकान में रात्रि में चोरी हो गई है, जिसकी तस्दीक के लिए मैं आया हूँ, जिसकी तस्दीक कर रहा हूँ। वो एक सीसी का टीवी लगा हुआ है जिसमें काला जो दुपट्टा का टुकड़ा को उन्होंने उसको लपेट कर बंद कर दिया था, उसके बाद में ये वारदात को किए हैं, जो ताला तोड़ के और अंदर प्रवेश कर उस नकदी रकम। बगल में एक हमारे भाई साहब रहते हैं, उनका घर का बाहर का दरवाजे के कुंदा को बाहर से बंद कर दिए थे ताकि आवाज़ पड़ने पर कोई न निकल पाए। सुबह सर जब मैं आया यहाँ, बहुत देखा कि तोला तोड़ के नीचे रखा हुआ है। जब मैं शटर खोला तो सबसे पहले मैं अपना गला पैसा का मैं चेक किया तो उसमें 11,800 रुपया था, वो पैसा गायब था। उसके बाद 6 गोल्ड फ्ले का पैकेट था, जो महंगी वाला सिगरेट है, उसको उठा के ले गया। अरे और बाकी सामान मेरा जैसे के तैसे पड़ा हुआ। चला का बुरी तरह से वो छेनी हाथ थोड़ी से तोड़ा है, वो नॉर्मल चीज़ से नहीं तोड़ा हुआ है। वो कोई उसका बहुत जोर जोर से आवाज़ आया होगा, जो आस पड़ोस के लोग सुने होंगे लेकिन डर से नहीं निकले होंगे। सीसीटीवी से मेरे सर मकान मालिक के घर में गया तो उनको देखा तो पीछे साइड से उनका जो है केवल उंगली का फिंगर जो है पाँचों फिंगर जो दिखाई दिया रहा था, बाकी जो है कुछ चीज़ नहीं। कैमरा बंद किया, कपड़ा ढक दिया, कपड़ा लगा दिया है, ब्लैक कपड़ा लगा दिया है ताकि जो है कोई सामान हमको पता। इससे पहले से चोरी नहीं हुआ है। कल एक छोटा सा एक आदमी के साथ में विवाद हुआ तो उसने बोला कि मैं तुमको बता दूंगा, मैं तुमको दिखा दूंगा, और उसके बाद जो है सर ये सामान चोरी हुआ। तो उसका वो ऑटो चालक है, उस ऑटो चालक के अंदर मैं सामान लेकर आ रहा था तो मेरा सामान जो है उसमें से खुल खुल कर जो है वो करीब 20 किलो के लगभग वो सामान निकाल लिया था। निकालने के बाद जब सामान जब मैं अपना वेट किया तो वेट करने के बाद सामान कम हुआ, तो सामान कम हुआ तो उसको गाड़ी को मैं जब चेक किया तो एक बोरी के अंदर जो है वो सामान निकाल के डाले हुए था। पूरे सामान जो है मिक्स था, पूरे सामान मिक्स था। जब मैं उसे पूछा कि ये सामान कहाँ से लाया तो बोला कि सर गलती हो गया है। फिर उसके बाद में उसके परिवार वाले जो है 8 बजे रात में आए और मेरे को इधर धमकी देने लगे कि मेरे साथी को मेरे भाई को क्यों मारा, पूरा औरत वगैरह औरत को लेके आया कि मैं तुमको बता दूंगा, ये कर दूंगा, और सुबह पर ये घटना हो गया। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट।